जय हिंद एस्पिरेंट्स तो आप लोगों का एफकेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और फर्स्ट जून से एफकेट टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके पास भी यहां पर मौका है कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसी के साथ अपनी एफकेट प्रिपरेशन को भी और अच्छा कीजिए बट उससे पहले काफी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सर अभी फॉर्मल नोटिफिकेशन आने से पहले एग्जाम डेट कब है ठीक है उसके अलावा एलिजिबिलिटी को रिलेटेड आपके कई डाउट्स हैं तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो में ब्रीफली आपको टेंटेटिव एग्जाम डेट्स और उसके साथ साथ आप लोग कैसे अपनी एलिजिबिलिटी पहले क्रॉस चेक कर सकते हैं वो बता देता हूं तो सबसे पहले अगर हम टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जामिनेशन इज शेड्यूल विल बी होपफुली शेड्यूल्ड इन दी लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट ओके लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट जो है उसी में टेंटेटिवली एग्जाम शेड्यूल होगा और हर बार जैसे हम एफ के टू हर साल देखते हैं सो टेंटेटिवली इन दी डेट्स ऑफ़ ट्वेंटी एट ऑगस्ट ठीक है इसके बीच में टेंटेटिवली आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल होगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि मंथ ऑफ जून इज स्टार्टिंग क्लियर सो जून जुलाई एंड एलिजिबिलिटी so भी साथ साथ देख लेते हैं तो एफकेट एग्जाम की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एज एलिजिबिलिटी फ्लाइंग ब्रांच ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर इतना बर्थ अगर यहां पर सेकेंड जुलाई टू थाउजेंड से फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर के बीच में आता है सो बोथ डेट आर इंक्लूसिव देट दू टी थ्री फॉर दी लाइन ब्रांच इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स इज इज दी एज ब्रैकेट तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ सेकेंड जुलाई नाइनटी एट से फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर के बीच में आती है देन यू कैन राइट दी एग्जामिनेशन फॉर दी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस ठीक है तो ये एज एलिजिबिलिटी ग्राउंड ड्यूटी टेक और नॉन टेक दोनों के लिए है इसके अलावा अगला अगर यहां पर एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास मैथ्स और फिजिक्स टेन प्लस टू लेवल में होना बहुत जरूरी है ठीक है तो इफ यू हैव फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन क्लास ट्वेल्थ मैथ्स एंड फिजिक्स सेपरेटली प्लस परसेंट इन एनी ग्रेजुएशन क्लियर किसी भी ग्रेजुएशन में आपके सिक्सटी परसेंट मार्क्स हैं बी ए बी एस सी बी कॉम बी टेक एनी थिंग इफ यू हैव स्कोर्ड दिसन यू कैन राइट द एग्जाम अगर आपने डिप्लोमा किया था तो क्लास टेंथ के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया था तो ध्यान रखिए कि वहां पर आपको उसके बाद ए एम आई जो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है उसका भी एग्जाम क्लियर करना जरूरी है विद मार्क्स क्लियर अगर आपने सिर्फ प्लेन डिप्लोमा किया है एंड यू हैव नॉट अपियड इन एएमआई एग्जाम देन यू कैन नॉट राइट एम एफकेट एग्जामिनेशन ठीक है तो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर फ्लाइंग ब्रांच ठीक इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए भी एरोनोटिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनोटिकल इंजीनियर्स मैकेनिकल ये दो ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के लिए एल है ठीक है और एम जो है मैकेनिकल एंड रिलेटेड ब्रांचेस के लिए यहां पर भी सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है क्लास ट्वेल्थ में इन फिजिक्स एंड मैथ्स इंडिविजुअली इफ यू हैव स्कोर्ड 50 परसेंट मार्क्स प्लस इन कंसर्न ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मिनिमम सिक्सटी मार्क्स क्लियर तो ये आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए है और कंसर्न जो ब्रांचेस हो होंगी वो लिस्टेड होंगी आप लोगों के नोटिफिकेशन में सो दे आर दे रिलेटिवली कवर ऑल ब्रांचेस रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स ओके इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है और उसके बाद ए एम आई की एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का एग्जाम क्लियर नहीं किया है विद सिक्सटी मार्क्स अगेन यू कैन नॉट अप्लाई क्लियर नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर दी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक तो एडमिन ब्रांच के लिए मिनिमम सिक्स परसेंट और इक्विवेलेंट ओके इन योर ग्रेजुएशन आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है with minimum 60 marks, तो ध्यान रखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए तो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच या लॉजिस्टिक्स ब्रांच या अकाउंट्स ब्रांच के लिए ठीक है आपके सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स ठीक है ग्रेजुएशन विथ सिक्सटी परसेंट ठीक है कोई भी आपने ग्रेजुएशन करी है विथ सिक्सटी परसेंट आप एफकेट का एग्जाम नॉन टेक ब्रांच में ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए दे सकते हैं और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो अकाउंट्स के लिए भी दे सकते हैं ठीक और एजुकेशन ब्रांच इफ यू हैव पास क्लास टेन प्लस टू एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स ठीक है तो एजुकेशन uh, और मेट ब्रांच जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज है तो आपके अगर क्लास टेन प्लस टू में और पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में फिफ्टी परसेंट मार्क्स उसके साथ साथ आप लोगों के ग्रेजुएशन में थे ठीक है तो एजुकेशन के लिए क्लास ट्वेल्थ और पोस्ट ग्रेजुएशन में फिफ्टी परसेंट और ग्रेजुएशन में सिक्सटी परसेंट देन यू कैन राइट द एग्जाम फॉर एजुकेशन ब्रांच फॉर मेट ब्रांच मौसम विभाग जिसे कहते हैं मेट ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी साइंस स्ट्रीम मैथमेटिक्स स्टैट्स जोग्रफी कंप्यूटर एप्लीकेशन एनवायरमेंटल अप्लाइड फिजिक्स ओशियनोग्राफी मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जियो फिजिक्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स मतलब लिस्टेड ब्रांचेस में पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स हो उसके अलावा आप लोगों के ठीक है Uh, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन में आपने कोई भी ग्रेजुएशन प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन योर ग्रेजुएशन ठीक है graduation, और ग्रेजुएशन में 55 परसेंट मार्क्स आपने स्कोर करे हैं मैथ्स और फिजिक्स में ठीक है तब आप ये एग्जाम दे सकती हैं फॉर मेट ब्रांच क्लियर सो आप ये एग्जामिनेशन में मैंने अभी एफकेट में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के सभी रेस्पेक्टिव स्ट्रीम्स की आपको एजुकेशन एलिजिबिलिटी बता दी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट फर्दर प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन क्लियर और आपकी प्रिपरेशन को और सपोर्ट करने के लिए और बूस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यहां पर आपके लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफर लाया है जहां पर अगर आप एफकेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिक्स प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री मंथ्स का नाइन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है सिर्फ रुपीज वन फोर नाइन फोर के प्राइस में मतलब नाइन मंथ्स एट रुपीज वन फोर नाइन फोर ओनली ठीक है चौदह सौ चौरानवे रुपए में बेस्ट सेट ऑफ टीचर्स के साथ एफकेट की तैयारी अगर आप सिर्फ सी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वन फोर टू नाइन में ठीक है आपको नाइन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और सीडीएस में आपको एक फुल लाइव बैच भी मिल रहा है ठीक है इसके अलावा अगर हम सीएपीएफ uh, एग्जाम की बात करें तो टू टू सेवन फोर रुपीज में कंप्लीट सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी ठीक विद नाइन मंथ सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज द कोड जोश एक जोश कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो थ्रो अवे प्राइसेस पर आपको बैचेस अवेलेबल है अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं सीडीएस सीएपीएफ एफकेट एग्जाम का सो थ्री टू फोर नाइन रुपीज के थ्रो अवे प्राइस पर ठीक है सो थ्री टू फोर नाइन रुपीज के प्राइस पर आप सीडीएस सीएपीएफ एफकेट एग्जाम तीनों की रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी प्लस एसएसबी इंटरव्यू आप कर सकते हैं तो यह मौका अब अपने हाथ से जाने मत दीजिए ठीक है आज ही सब्सक्राइब करें आज ही सब्सक्रिप्शन लें और अपनी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी को बूस्ट करें क्लियर और यहां पर भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कोड टोश क्लियर तो ध्यान रखिए और कोई भी अगर आपका एलिजिबिलिटी के अराउंड डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए आई एल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट क्लियर सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे इन दिस वीडियो इसके अलावा कोई भी डाउट प्रॉब्लम है आपका प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी देयर टू हेल्प यू आउट जय हिंद